एंड गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी सुबह सुबह का टाइम है, मैं सोके उठी थी, थोड़ी देर पहले ही चाय वगैरह पी ली है, थोड़ा बहुत घर का काम भी कर लिया है क्योंकि कल दिवाली है। सो उसी की तैयारी में मैं लगी हुई हूँ, अपने घर को डेकोर करने में लगी हुई हूँ। क्लीन तो मैंने पूरा घर कर लिया, मैं अभी आपको दिखाऊंगी भी कि अंदर से लेकर ऊपर तक गार्डन तक मैंने अपने पूरे घर को क्लीन कर लिया है। बस सारी चीजों को मैंने ना अभी सेट नहीं की कर पाया है क्योंकि अकेले इंसान क्या करे, दिवाली आ गई और कभी तक कुछ नहीं हो पाया क्योंकि ये घर नहीं बनता ना, ऊपर जो स्टोर का काम है ना, स्टोरेज का, वो नहीं होता ना। तो मैं दिवाली से पहले ही इस बार अपने घर को डेकोर भी कर लेती और सब कुछ कर लेती, लेकिन चलेगा कोई नहीं, घर मेरा है, फिर दोबारा कर लूंगी। सो अभी सुबह सुबह ही है ना, मैं अपने रूम को करने जा रही हूँ डेकोर। तो चलिए ऐसा करते हैं कि ज्यादा लेट नहीं होते हैं और फटाफट से अपने बेडरूम का जो मेकओवर है ना, थोड़ा बहुत डेकोरेशन वो कर लेते हैं कि दिवाली पे मेरा रूम थोड़ा तो सुंदर दिखे, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया अपने रूम में। तो मैंने सोचा कि चलो कम से कम बेडरूम को ही हम मेकओवर कर लेते हैं। और अभी तो इस रूम, लिविंग रूम में तो देखो सब इस तरह से कबाड़ सा फैला हुआ है, तो इसको मैंने सेट करना है। पलंग मैंने यहाँ सरका दिया था, तो वो सब मैं बताऊंगी आप लोगों को आने वाली वीडियो में। सो अभी फटाफट से करते हैं हम अपने बेडरूम का मेकओवर, थोड़ा बहुत सजा लेते हैं सो लगे कि हाँ ये मेरा अच्छा खासा बेडरूम है, वरना लग ही नहीं रहा है। दिवाली आ गई और मैंने अपने ना बेडरूम को अच्छे से सेट नहीं किया और ना ही मैंने उसको डेकोर किया। सो अलमारी वाला हिस्सा जो है ना, इसको तो मैं अभी ऐसे ही रखने वाली हूँ, दिवाली के बाद हम इसको चेंज करेंगे तभी करूंगी। सो क्योंकि अब हम एसी नहीं चला रहे ना, तो एसी की वजह से ही हम इसको यहाँ रखते थे, बट अभी एसी नहीं चल रहा है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, वो वहां पर ठीक ठाक रह रहा है। सो चलिए देर नहीं करते हैं, फटाफट से अपने बेडरूम को भी सेट कर लेते हैं। मंदिर भी मुझे आज ही सेट करना है और पूरा घर ही समझो आज सेट करके फ्री होना है दिवाली के पहले, क्योंकि मैं नहीं चाहती दिवाली के दिन भी मैं इन सब कामों में लगी रहूं। सो चलिए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले है ना, यहाँ पर मैं ये एक ऑर्गेनाइजर है मेरे पास जो कि मैंने लास्ट ईयर भी अपने बेडरूम मेकओवर में यूज़ किया था, तो अभी मैं इसी का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा पैसे खर्च नहीं किए अपने इस बेडरूम मेकओवर के लिए। मेरे घर में जो चीज़ें थी बस उन्हीं से ना मैं अपने घर का मेकओवर कर रही हूँ, यानी अपने बेडरूम का मेकओवर कर रही हूँ। सो इसको मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से ना नेल्स के द्वारा हैंग कर दिया ताकि है ना ये अच्छे से फिक्स हो जाए, और इसको मैंने इस तरह से फिक्स किया है ना कि बिल्कुल भी हिले ना, और ये कम से कम एक साल से इसी तरह से लगा हुआ है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है। और साथ ही साथ इसको मैं क्लीन भी कर लूँगी यहाँ पे अच्छी तरह से। और उसके बाद फिर यहाँ पर जो ये मैंने बेडशीट ली है पिंक कलर की, हल्का सा कुछ अलग सा ही पिंक कलर है, मेरी टी शर्ट से मैच है, तो इसको मैं यहाँ पर बिछाऊँगी और उसके बाद देखना कि रूम कैसा लगता है। तो इस बार बिना खर्चे के ही मैंने अपने बेडरूम का मेकओवर किया है, मैंने एक रुपया भी खर्च नहीं किया। ये बेडशीट मैंने काफ़ी दिनों पहले ली थी लेकिन इस मैंने ना इसका यूज़ नहीं किया था, मैंने सोचा था चलो दिवाली के टाइम पे ही मैं इसको ना अपने बेड पे अच्छे से बिछाऊंगी। तो यहाँ पर बेडशीट को भी मैंने अच्छी तरह से ना बेड पे डाल दिया है और बहुत अच्छी तरह से मैं चारों तरफ से इसको फिक्स कर दूँगी ताकि ये बिल्कुल भी ना हिले। और बेडशीट अगर आप प्रॉपर वे में बिछाते हो ना तो आपका जो बेड है ना वो बहुत ही अच्छा लगेगा, और चाहे बच्चे कितना भी जंप करें तो आपकी जो बेडशीट है ना वो हिलेगी नहीं। तो मैंने कहीं भी नोट वगैरह नहीं लगाई है, यानी गांठ नहीं लगाई है, फिर भी मेरी बेडशीट इधर से उधर बिल्कुल भी नहीं हिलने वाली है क्योंकि मैं उसके चारों कोने है ना बहुत ही अच्छे तरीके से फिक्स कर देती हूँ। तो यहाँ पर बेडशीट मेरी बिछ चुकी है और उसके साथ है ना मुझे इस बेडशीट में सबसे अच्छा पता है क्या लगा, इसके जो फ्लावर की डिज़ाइन है वो, और उससे भी कहीं बेटर इसकी मुझे एक चीज़ लगी, इसके कुशन कवर, जो कि आप देखोगे तो आप बोलोगे दीदी ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो ये देखिए इसके ये कुशन कवर हैं जो कि पर्पल कलर के हैं, ये मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लगे, बहुत ही एक यूनिक सा लुक आता है इसमें। और इसके साथ ही एक मल्टी कलर का मैंने यहाँ पे कुशन कवर डाल दिया है, तो कुछ अलग सी ही थीम आ गई है क्योंकि इस कुशन कवर के अंदर सारे कलर्स ऐड हैं। सो बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर मैंने एक फ्लावर रख दिया है पर्पल कलर का बेड पे, और मेरी और जैकी एक फ़ोटो है करवा चौथ की, ये हमको किसी ने गिफ्ट की थी। और इसी के साथ में पर्पल कलर के मैं लगाने वाली हूँ यहाँ पर अपनी विंडो पे कर्टन, क्योंकि मेरे पास है ना जो भी चीज़ें थी ना मैं सोच रही थी कि कुछ मैच हो जाए तो अच्छा है, तो जो भी चीज़ें मेरे घर में पर्पल कलर की मौजूद थी वो सारी मैंने इकट्ठी कर ली।
ये पर्दे भी मैं 7 साल पहले लेकर आई थी और ये इतने अच्छी क्वालिटी के पर्दे निकले कि 7 सालों में भी इनका कुछ नहीं बिगड़ा। सो इन्हीं को मैंने धो के रख लिया था, फिर मुझे याद आया कि मेरे पास तो पर्पल कलर के पर्दे भी हैं, तो वो भी मैंने यहाँ पे हैंग कर दिए। और पर्दे लगाने के बाद ना रूम का लुक इतना अमेजिंग आया ना कि मैंने सोचा भी नहीं था कि पर्दे लगाने के बाद ना रूम इतना अच्छा लगने लगेगा। आप लोग खुद देखना और बताना कि पर्दे लगने के बाद रूम का लुक कितना यूनिक सा हो गया है, कितना अच्छा हो गया है। सो चलिए फटाफट से यहाँ पर मैं पहले सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ, उसके बाद आप देखना कि मेरा जो ये बेडरूम मेकओवर है वो कैसा लगेगा। तो पर्दों को ना मैंने थोड़ा सा अलग स्टाइल से हैंग किया है, क्योंकि ये पर्दे काफ़ी बड़े थे जो कि नीचे फ्लोर में टच हो रहे थे, तो उसको एक अलग सा लुक देने के लिए मैंने यहाँ पे एक फ्लावर की तरह से नोड लगा दिए, जो कि देखने में बहुत सुंदर लग रही है। और मेरे जो पर्दे बड़े हैं ना वो भी गंदे भी नहीं होंगे और देखने में भी खूबसूरत लगेंगे। तो बस इस तरह से मैंने यहाँ पर है ना जो पर्दे के हुक आते हैं वो लगा दिए हैं, और देखिए पर्दे का लुक कितना अच्छा आ रहा है। तो चलिए फटाफट से पहले मैं अपने रूम का मेकओवर कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। इस बार इतनी कम चीज़ों से ही मैंने अपने बेडरूम का मेकओवर किया है, दिवाली के लिए थोड़ा सा इसे डेकोर किया है। सो फर्स्ट मैंने यहाँ पर न्यू बेडशीट बिछाई है, जिसके कुशन ये जो पिलो कवर हैं वो पर्पल हैं, तो फिर उसकी वजह से क्या है कि थोड़ी बहुत ये पर्पल की थीम हो गई है। मेरे पास एक फ्लावर पॉट पड़ा था वो मैंने यहाँ पर रख दिया, और ये वाइट फ्लावर से मैंने इसे डेकोर कर दिया। और ये पर्पल वाले जो मेरे कर्टन है ना ये बहुत पुराने हैं, ये मैंने यहाँ पर हैंग कर दिए। सो ओवरऑल ठीक ठाक लग रहा है। और यहाँ पर भी जो चीज़ें मैंने है ना डेकोर की है ना ये सारी पर्पल कलर की ही हैं, पर्पल कलर का फ्लावर पॉट और पर्पल कलर की वो डेकोर की चीज़ कैट है छोटी सी और वाइट फ्लावर, बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब बताइए कैसा लगा, इतना छोटू सा मैंने मेकओवर किया उसके बावजूद भी घर बहुत सुंदर लग रहा है। लाइट्स ऑफ करके भी दिखाती हूँ, ये देखिए। कहते हैं ना कि जरूरत नहीं है हमें कि हमारे पास बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ें हों, जरूरत नहीं है हमें कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हों। मैंने कुछ भी इसमें से खरीदा नहीं है, कुछ भी। ये पर्दे हैं ना जो मेरे, ये 6 से 7 साल पुराने पर्दे हैं मेरे पर्पल वाले, तो मैंने उनको वहाँ हैंग कर दिया। ये हाँ बेडशीट में नहीं लाई थी, जो कि मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाई भी थी, तो इसी की वजह से ये सारी थीम पर्पल जैसी हो गई है, पर्पल एंड वाइट की एंड पिंक, पर्पल वाइट एंड पिंक। सो देखिए नाइट व्यू कितना अच्छा लग रहा है, जबकि मैंने अभी कैंडल वगैरह कुछ नहीं जलाई है, लाइटिंग नहीं की है, बस ये थोड़ी सी लाइट मैंने कर दी है। ये सारी आर्टिफिशियल लाइट है, क्योंकि बेड की जो जगह है ना थोड़ी रिस्की होती है, सो वहाँ पर मैं कोई भी ओरिजिनल है ना दिए वगैरह नहीं जलाने वाली हूँ। सो ये बहुत सुंदर लग रहा है ओवरऑल। और साइड में यहाँ पर मैंने थोड़े से फ्लावर वगैरह हैंग कर दिए हैं, देखिए है ना। और इनमें मैं कर दूंगी अभी थोड़ी देर में लाइटिंग, तो चलिए मैं लाइटिंग करके भी आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा दिखेगा। तो यहाँ पर है ना अभी मैं लगा रही हूँ फेरी लाइट, और फेरी लाइट लगाने के बाद आप देखना कितना अच्छा इस जगह का लुक आएगा। और अभी तो मॉर्निंग का टाइम है, क्योंकि सुबह उठ के ही आज मैं अपने रूम को सेट करने में लग गई थी, और जब नाइट होगी उसके बाद आप देखना कि रूम का लुक कितना अच्छा आएगा, स्पेशली ये लाइट्स की वजह से, क्योंकि जब लाइट्स ऑन हो जाती है ना तो रूम का जो लुक है ना वो बहुत ही डिफरेंट सा और बहुत ही सुंदर सा आता है और बहुत अच्छा लगता है देखने में। लाइट लगाने के बाद ये वाला जो एरिया है ना पोर्शन है मेरे बेडरूम का, ये भी कितना प्यारा दिख रहा है।
है ना, लग रहा है कि हाँ दिवाली आ गई। तो मुझे बहुत सुंदर लग रहा है ये, और देखिए यहाँ से जब ऐसा बेडरूम हो ना, तो अपने बेडरूम में आकर बैठने में, रिलैक्स करने में जो मजा होता है ना, वो शायद कहीं नहीं मिलता, घर के किसी कोने में नहीं मिलता। सो ठीक है, बहुत सिंपल एंड सोबर और बहुत ही प्यारा सा। तू मेरे साथ ऊपर कपड़े सुखाएंगे चल। तो मैं रूम डेकोर करने जा रही थी, लेकिन याद आ गया कि कपड़े सुखाने, ये कपड़े मेरे सुबह से रखे हैं, लेकिन स्टैंड में जगह नहीं थी, पूरा स्टैंड मेरा भरा हुआ था। तो मैंने सोचा कि आधे सुबह सुखा लूंगी और आधे शाम को। तो अभी इन कपड़ों को सुखा लूं जल्दी से, थक गई। चलिए, तो अभी रात हो चुकी है, और ये कल में जो वीडियो डाली थी ना, ये उसी का पार्ट है। और ये बहुत सारे कपड़े थे जो सुबह धो के डाले थे। एक्चुअली स्टैंड छोटा है, एक स्टैंड में जितने कपड़े आते हैं मैं उतने ही सुखाती हूँ, बाकी के लॉन्ड्री बैग में रख देती हूँ। वैसे तो मेरे घर में जगह बहुत है कपड़े सुखाने की, बाहर भी मेरे पास बहुत ज़्यादा बड़ी छत भी है, लेकिन नहीं सुखा सकती। मुझे यहाँ छाँव में और स्टैंड पर ही कपड़े सुखाने होते हैं। रीज़न आप सब लोग जानते ही हैं, क्योंकि आप सब मेरी फैमिली मेम्बर हैं और आप सबको मेरी परेशानी पता है, क्योंकि आप इतने दिनों से मुझे देख रहे हैं इसलिए। एंड हैप्पी धनतेरस, कैसे हैं आप सब, क्योंकि ये धनतेरस की वीडियो है। और मॉर्निंग में जो आप लोगों ने मेरे बेडरूम के मेकओवर की वीडियो देखी, वो है काली चौदस की। तो मैं आपको हैप्पी धनतेरस एंड हैप्पी काली चौदस, सभी को मेरी तरफ से काली चौदस की खूब खूब शुभकामनाएँ, ढेर सारी शुभकामनाएँ मैं आप सबको दे रही हूँ। और अभी तो मैं फटाफट से लगी हूँ अपने घर के काम में, क्योंकि मेरा आधा घर डेकोर हो चुका है और आधा घर अभी बाकी है। और कपड़े लेकर आई, उसके बाद है ना, यहाँ पर अब मैं कर रही हूँ अपने सेकंड बेडरूम की क्लीनिंग, क्योंकि इसकी क्लीनिंग अभी बाकी थी, क्योंकि आज ही के दिन ये ना वॉल पर जो कलर है ना वो हुआ था, तो सारी चीज़ें थोड़ी सी मैसी हो गई थी। बस ये एक रूम अभी मेरा क्लीन करने के लिए रह गया था, जो कि मैंने आज वो भी कर दिया। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबके साथ में शेयर करूं, क्योंकि आप लोग पूछ रहे थे कि दी दिवाली आने वाली है, आप इस रूम को कब साफ़ करोगे। तो डियर, मैंने नाइट में ही है ना इस रूम को क्लीन करके रख दिया था, अभी बस इसका थोड़ा बहुत सा डेकोरेशन रह गया है। तो दिवाली के पहले या फिर दिवाली के बाद मैं कभी भी इसका डेकोरेशन आपके साथ में शेयर कर दूँगी, हो सका तो दिवाली से पहले ही कर दूंगी, ताकि दिवाली तक मेरा घर रेडी भी हो जाए और आप सबको देखने को भी मिल जाए कि दिवाली से पहले मैंने इतने सारे काम अकेले कैसे निपटा लिए, और फटाफट से मैंने अपने इतने बड़े घर को ऑर्गेनाइज भी कर दिया और साथ ही साथ इसे मैंने डेकोर भी कर दिया। सो फटाफट से यहाँ पर पहले कर लेते हैं हम क्लीनिंग, क्योंकि ये जो वाइट अलमीरा है ना बच्चों की, बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। तो इसको यहाँ पर हम तीनों ने मिलके, मैंने, आरू और मोलू, हम तीनों ने मिलके ये सारे कबर्ड साफ कर दिए, एक भी निशान नहीं है। और ऊपर हम लोग पहुंच नहीं रहे हैं, पापा पहुंच जाएंगे। नीचे तो हमने सब साफ कर दिए, और ये दरवाजे भी साफ कर दिए। देखो दरवाजे पे भी जितनी गंदगी थी सब साफ हो गई एकदम अच्छी तरह से, ये भी दरवाजा साफ। अब बस मुझे लास्ट फाइनल कपड़ा फेरना है। मोलू तुम गीला नहीं करना कपड़ा, नहीं फ्रिज नहीं साफ करते। और आरू लगी हुई है अभी यहाँ पर, बोलो तुम नहीं, तो दोनों बच्चे लगे हुए हैं ये वाले दरवाजे को क्लीन करने में। ओह मैं थक गई, देखो मेरा हाथ कैसा हो गया पानी में, ठिठुर गया। तो कबर्ड्स का और दरवाजों का जो भी कलर वगैरह जो इन पे लगा हुआ था ना, वो सारा हमने अच्छे से साफ कर दिया है। बच्चों ने भी मुझे काफी हेल्प करी, थोड़ा बहुत तो बच्चे क्लीन कर ही लेते हैं, सो इससे थोड़ी सी हेल्प तो मिल ही जाती है। उसके बाद अब मैं यहाँ पे फाइनल जो टचअप होता है ना वो दे रही हूँ, अच्छी तरह से कपड़े को साफ करके, और सारे कबर्ड्स को पहुँच रही हूँ। और अभी ऊपर के कबर्ड साफ करना रह गया है, क्योंकि मेरे पास कोई भी स्टूल वगैरह या फिर कुछ भी सीढ़ी वगैरह नहीं थी जिससे कि मैं ऊपर चढ़ के करती, तो उनको अभी मैंने छोड़ दिया है। फिर देखती हूँ कुछ जुगाड़ करूँगी, उसके बाद उनको क्लीन करूँगी। तो फाइनली ये कबर्ड मेरे सारे साफ़ हो चुके, बड़ा वाला भी और बच्चों की अलमीरा भी, साथ ही साथ जो दरवाजे थे किचन के और लिविंग रूम के, लिविंग रूम निकलता है क्योंकि ये मेरा पहला लिविंग रूम था। सो सेकंड बेडरूम के दरवाजे वगैरह भी हमने अच्छी तरह से साफ़ कर लिए,
और अब लग रहा है कि हाँ दिवाली की मेरी सारी क्लीनिंग हो गई है। लेकिन सच बताऊँ, मैंने इस बार है ना अपने किचन में हाथ भी नहीं लगाया है। दिवाली आने के 15-20 दिन पहले ही मैंने अपने किचन को अच्छे से साफ़ कर लिया था, तो उसमें मुझे हाथ लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। मेरा पूरा किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा पड़ा है। हाँ, मैंने उसे इतना ऑर्गेनाइज नहीं किया है। सच बताऊँ तो डेकोरेशन की चीज़ें ही ख़त्म हो गई, अब मेरे पास बची नहीं है। सो चलिए इस वीडियो को करते हैं हम लोग यहीं पर एंड, और इसी के साथ कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में दिवाली के दिन। सो देखते हैं आगे क्या प्लान होता है, जो भी होगा आप सबके साथ में शेयर करूँगी। लेकिन हाँ, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी दिवाली।